महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के पिशाच मोचन घाट पर स्थित गुहेश्वर दूसरे महादेव हैं। राथंतर कल्प में देवदारु वन में मंकनक ऋषि तप कर रहे थे। एक समय उनके हाथ में कुश का काटा लगने पर रक्त के स्थान पर शाक रस प्रवाहित होने लगा। यह देखकर मंकनक बहुत प्रसन्न हुए और नाचने लगे। उनके साथ यह चर अचर संसार भी नाचने लगा। नदियों ने मार्ग बदल दिए। तब ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता शिव के पास गए तथा उनसे निवेदन किया कि इस महात्मा को नृत्य करने से रोकिए। तब शिव ब्राह्मण का रूप धरकर मंकनक के पास गए और समझाया, महाराज नाचना स्त्रियों का काम है, आप ब्राह्मण हैं, आपका काम तप है, नाचना नहीं। तब ऋषि ने कहा, मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, आप देखते नहीं, मेरी उंगली से रक्त नहीं शाक रस गिर रहा है। तब शिव ने अपनी उंगलियां झटकारी और उसमें से भस्म झड़ने लगी। इस पर ऋषि लज्जित हो गए। उन्होंने शिव को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया, उनसे तप की वृद्धि का उपाय पूछा। शिवजी ने कहा, महाकाल वन जाओ, वहां पिशाच मुक्तेश्वर के उत्तर में एक गुफा है, उसमें 7 कल्प में से एक शिवलिंग स्थित है, उसके दर्शन से तुम्हारे तप में वृद्धि होगी। तब मंकनक वहां गए, उस शिवलिंग के दर्शन से उनको सूर्य के समान तेज प्राप्त हुआ। इस गुहेश्वर लिंग के अष्टमी और 14 को दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।